बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आखिरकार वो दिन आ ही गया है कि हम अपना प्रॉमिस पूरा कर सके लोगों के साथ। हमने बर्ड मंगवा लिए पाकिस्तान, आज पहुंच गए हैं खैर सलामती, एक्टिव हेल्दी। आप देख सकते हैं घूमते फिरते हुए, खाते हुए। लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो मैंने डिलीट कर दी हैं ताकि दूसरे लोगों से डिस्टर्ब ना हो। लोगों ने यहाँ तक भी लिखा कि ये लोग फ्रॉडी हैं, ये लोग एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, ये कभी भी बर्ड्स नहीं ला सकते, इनके बर्ड्स सही नहीं है, ये खाली वीडियोज इधर उधर से लेके पोस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमारा प्रोग्राम है। सारी वीडियोज हमारे अपने बर्ड्स की होती हैं। हर वीडियो पे मैं कॉपीराइट का मैसेज इस वजह से लगाता हूँ ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि ये हमारे अपने ही बर्ड्स हैं, अपनी ही वीडियोस हैं। आज ये कराची में ही हैं बर्ड्स जो कि आराम से घूम फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे बर्ड्स की क्वालिटी आप लोगों के सामने ही है। आप देख सकते हैं कि कितने एक्टिव हैं, कितने बीमार हैं, किस क्वालिटी के हैं। ये लोगों के जहन में सिर्फ कन्फ्यूजन बिठाया हुआ है मार्केटिंग करने वाले लोगों ने, ये ब्लैक जबान के बर्ड होते हैं ओरिजिनल और ग्रे जबान के बर्ड ओरिजिनल नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडोनेशिया में जहाँ की ये ब्रीड है वहाँ पे किसी की सेहत पे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है कि ये ब्लैक टंग है या ग्रे टंग है। हमने ग्रे टंग बोला था, ग्रे टंग ही मंगवाए हैं। नेक्स्ट शिपमेंट में कोशिश करेंगे कि ब्लैक टंग भी आ जाए। ये आप देख सकते हैं बर्ड्स की क्वालिटी, 4.5 महीने के बर्ड्स हैं। ये सिर्फ 2 सेट ही आए हैं, कितने हेल्दी और एक्टिव हैं और अपना खाना खा रहे हैं और फ्रेश हवा में घूम रहे हैं। ये दूसरे केज में 5.5 महीने वाले सेट हैं, ये ज्यादा हैं। 4.5 महीने वाले सिर्फ 2 ही सेट आए हैं, बाकी सब 5.5 महीने वाले आए हैं, तो जिसको भी चाहिए होंगे वो मिल सकेंगे। हमारे लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अयाम सिमाने का गोश्त कैसा होता है, उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हम आपको ये भी क्लियर करके बताएंगे। अयाम सिमाने का गोश्त पकाते हुए आपको दिखाएंगे और उसका टेस्ट भी बताएंगे, उसका कलर भी दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में ही आपको अयाम सिमाने का गोश्त पकाते हुए भी दिखाएंगे और गोश्त का कलर भी दिखाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पोल्ट्री स्पेसिफिकली अयाम सिमाने पे नए फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए कि कम इन्वेस्टमेंट में से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है अयाम सिमाने से। हमारे यहाँ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने डे ओल्ड चिक्स बेचने के लिए लोगों को इसी पीछे लगाया हुआ है कि डे ओल्ड से काम शुरू करें। ऐसा कभी भी फायदेमंद नहीं होता है नए फार्मर के लिए। जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, एडवांस पेमेंट की है, उनको उसी रेट पे ही बर्ड मिलेंगे। जिन लोगों ने सिर्फ कॉल करके और इंतज़ार किया है उनको अब नए रेट पे बर्ड्स मिल सकेंगे। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।